para mí. Venga, parte de la पहनाने के लिए आज वो पुणे ठाकुर के चरणों में अपनी माला को लेकर के आई है कि गोसाई जी मंगला आरती होने वाली है, ये मेरी पुष्प माला आप ठाकुर जी को पहना दीजिए। लेकिन आज वो स्वामी जी को किसी ने बता दिया कि ये जो भक्तानी आपको माला देती है ना, ये माला जब पिरोती है, पिरोने के बाद पहले इसको खुद धारण कर लेती है, खुद धारण करती है और उसके पश्चात ही इसको मंदिर में लाती है, आपको देती है। गोसाई जी बहुत नाराज हुए कि न जाने कितने समय से मुझसे ये पाप हो रहा है, मैं झूठी माला अपनी सरकार को पहनूं। आज गोसाई जी ने उस माला को लेने के लिए मना कर दिया। भक्तानी पता नहीं पा रही वो स्वामी जी को कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ, लेकिन अपने ठाकुर से कह रही है ये हम सब मिलकर के इस भाव में ठाकुर से निवेदन कर रही है कि ठाकुर आप स्वयं आइए, आज इस माला को स्वीकार कीजिए, क्योंकि जो भक्त होता है भैया वो कभी भी असली जो भक्त होगा वो कभी भी बताएगा नहीं कि मैं कितना भजनी हूँ, उसको ठाकुर पे विश्वास होता है। कहते हैं कि प्रभु प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान तले तले जावे लेकिन भक्त का माल ना तले पे देखा। आइए आज ठाकुर की चरणों में भक्तानी अरदास कर रही है, पुकार कर रही है किस प्रकार। Oh,
आज वो भगताली बार बार आग्रह करे।
स्वामी जी कहने लगे कि मुझे मालूम है कि ये माला झूठी है, इसको आपने स्वयं धारण किया है पहले, फिर बिहारी जी को पहनाने के लिए लाई, आज तक नहीं पता था सो पहनाता रहा, चूंकि आज पता है इसलिए बार बार आग्रह कर रही है भक्ता जी किस प्रकार Thank you.
पूछने पर, गोसाई जी के पूछने पर बिहारी जी बोल उठे कि प्यारे जो तुम पहना रहे थे वो केवल माला थी, लेकिन जो ये भक्तानी लाई है ये भाव से भरी माला है, वो इसको झूठा करके नहीं लाती, वो स्वयं पहन करके देखती है कि मेरी बिहारी जी पे जचेगी कि नहीं जचेगी, इसमें भाव है। और आप भी जो यहाँ बैठे हो, या दूध लाया गया था, जो हल्का दूध था वो चला गया, अभी जो बैठी है सिर्फ मलाई है भैया। ठाकुर जी की विशेष कृपा है कि आपके कानों में उसके नाम का रस जाना है, तो कहिए कि हम गुनाहगारों ने सोचा नहीं था किसके दरबार में आ जाएंगे। कोई सोच के आया होगा घर से कि जाएंगे दर्शन करके आ जाएंगे, लेकिन बैठा है क्यों? क्योंकि मेरे बिहारी की कृपा है, मेरे ठाकुर की कृपा है। भाई आज आप अपने घर पे बुलाना चाहते हैं, उठा करके आशारथी पकड़ी Thank you.